घर वाले का काम देता हूँ, 4 बजे देता हूँ। अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा राजनांदगांव की तरफ से धरना प्रदर्शन था, जिसमें एक ज्ञापन लिया गया है, इसको हम ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। किस तरह का ज्ञापन है सर, क्या है? इसमें इनकी 5-7 मांगे हैं, भिन्न मांगे हैं, जिनको पूरा करने के लिए कोशिश की जाएगी, शासन को हम वो करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री जी का यहाँ भेंट मुलाकात कार्यक्रम था भूपेश बघेल जी का, वहाँ उन्होंने मंच से घोषणा की कि सीटी स्कैन की जो यहाँ कमी है पिंडरी मेडिकल कॉलेज में, सीटी स्कैन मशीन की, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोफिजिशियन, स्टाफ नर्सेस की जो कमी है, जो यहाँ की अस्पताल की जो कमी है, उसको राजनीतिक दलों ने और आम जनता और मीडिया के माध्यम से उनके तक पहुँची थी, तो उन्होंने घोषणा की। हमारी उसी विषय को लेकर मांग, 2 महीना होने जा रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री जी अभी भी या प्रशासन लाश के आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं कि आंकड़े बढ़े तब हम चुनावी, जब चुनाव पास हो तो हम ऐसी घोषणा करें? तो हमारे निवेदन है कि अस्पताल के विषय में कम से कम जो घोषणा किए और जो वहाँ पे तकलीफ हो रही है आम जनता को, जैसे अभी स्टाफ नर्सेज की वहाँ पे बहुत कमी है, 600 बेड के अस्पताल में 300 नर्सेज वहाँ की आवश्यकता है, लेकिन वहाँ भी सिर्फ 50-60 ही नर्सेज वहाँ पे है, और जो वहाँ पे काम कर रही है नर्सेज या डॉक्टर्स हों, जूनियर डॉक्टर्स की भी वहाँ पे कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, तो जो लोग काम कर रहे हैं वैसे ही मानसिक प्रताड़ित हो रहे हैं बहुत, उनके ऊपर ओवर वर्कलोड ज़्यादा हो रहा है, तो वो भी उस बात की तकलीफ में है। तो हम लोग की यही मांग है कि जल्द से जल्द उन विषयों को, उन पॉइंट को जो घोषणा किए थे, मौत के और लाशों के आंकड़ों का इंतजार ना करे सरकार, उससे पहले घोषणा करे, हमारी कुछ बिंदुओं पर मांग थी।